भोजपुरी काउंटडाउन शो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। कोई भी त्यौहार उससे जुड़े गीतों के बिना अधूरा रहता है। तो इस बार के भोजपुरी पंतड़का शो में मैं ले आई हूँ नवरात्रि और दशहरा से जुड़े कुछ लोकप्रिय गीत, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग सर्च भी कर रहे हैं। नवरात्रि और दशहरे का त्यौहार दोनों आसपास ही है। दोनों त्यौहार बुराई को अच्छाई के प्रतीक को दर्शाता है, जिसके वजह से यह त्यौहार देश भर में पूरे धूमधाम से लोगों के बीच मनाया जाता है। तो सुनिए YouTube पर वायरल हुए नवरात्रि व दशहरा के टॉप 5 गाने। नंबर 5, मेला में घुमादा दूल्हे राजा। इस गाने को अंकुश राजा और शिल्पी राज द्वारा गाया गया है। यह गाना अभी हाल ही में 19 सितंबर को यूट्यूब पर रिलीज हुआ है और इतने कम समय में 8,00,000 दर्शकों द्वारा इस गाने को सुना व देखा जा चुका है। नंबर 4, एक्टर नील कमल सिंह और शिल्पी राज की आवाज में गाया गाना मेला में आई जीजा भी इस त्यौहार के मौसम में काफी छाया हुआ है। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर आर्यन शर्मा हैं व इस गाने को 16,00,000 लोगों द्वारा सुना जा चुका है। नंबर 3, दीवा कैसे बोरबू हो। इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू व नेहा राज ने गाया है। यह गाना सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सितंबर में ही रिलीज हुए इस गाने के अगर व्यूज की बात की जाए तो लगभग 3,00,000 दर्शकों ने अभी तक यह गाना सुना है। नंबर 2, रितेश पांडे द्वारा गाया गाना स्वागतम देवी गीत। यह एक एल्बम सॉन्ग है। इस गाने में रितेश पांडे खूब मस्ती में झूलते नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ दर्शक भी इस गाने का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। इस गाने को 6,00,000 लोगों द्वारा सुना जा चुका है। नंबर 1, सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी यादव का गाना कौना राहे गैलू एक भक्ति गीत है। उनकी आवाज के जादू से लोग भक्ति में गुम हो गए हैं। YouTube पर इस गाने को 1,03,000 से ऊपर श्रोताओं द्वारा सुना गया है। आप भी यह गाना जरूर सुने। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि व दशहरा के मजेदार गाने, जिन गानों के साथ लोगों के दिल भी झूम रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और त्यौहार के इस मौसम में इन गानों को झूमना और डांडिया खेलना मत भूलिएगा। अगले शो में फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह और नए गानों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी नवरात्रि।